हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये डोरमेट थाल कवर, टेबल कवर, थाल पोस के डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। इसको मैंने 42 फंदे में बनाया है, तो ये काफ़ी बड़ा बनने वाला है। और इसको मैंने दो कलर, पर्पल और येलो कलर में बनाया है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर का उल लिया हुआ है, पर्पल कलर और येलो कलर। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर का ऊन प्लस 10 नंबर की हमने यहाँ पे सलाई ली हुई है। देखिए यहाँ पे ये देखिए, आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये मैं ऊन से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सलाई यूज की है। अगर आप इसे साड़ी से बना रहे हैं तो आपने 6 नंबर की या 9 नंबर की सलाई से बुनना है। तो आज मैं आप लोग को ये 42 फंदे का बताऊंगी, क्योंकि कई लोगों ने पूछा है कि इस डोरमेट को आप बड़े साइज में बनाएं, तो मैं आज आप लोग को 42 फंदे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये पर्पल कलर से डालूंगी इसके फंदे। तो ये दोनों कलर एक साथ फंदे पड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 40 फंदे के लिए ये पर्पल कलर का ऊन लेंगे, और इसको हमने यहाँ पे डबल कर लिया। ये देखिए अब हम फंदे डालते हैं। तो फंदे डालना मैंने आप लोग को कई बार बताया है, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, और ज़्यादा फंदे में रहेगा तो वीडियो बड़ा होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करने से क्या होता है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ये देखिए पहले हमने यहाँ पे एक छोटी सी देखिए यहाँ पे गांठ लगा ली, जिसे हम मैजिक लूप कहते हैं। अब देखिए डबल वाला जो हमारा धागा होता है, वो हमारे देखिए राइट हैंड में, यानी दाहिने हाथ में जो हमने डबल वाले धागे किए हुए हैं वो हमारे दाहिने हाथ में रहेंगे, और सिंगल वाला धागा बाएं हाथ में रहेगा। यानी जो डबल हमने ये धागा लिया हुआ है ये राइट हैंड में, और सिंगल वाला धागा हमारा लेफ्ट हैंड में रहेगा। तो इसको देखिए हम सबसे पहले ऐसे सलाई पे डालेंगे, फिर देखिए ये सिंगल धागे को ऐसे इसके ऊपर ले जाएंगे, फिर इसके ऊपर से इसको ऐसे देखिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो फंदे बन गए, एक पहले का जो हमने यहाँ पे मैजिक लूप बनाया था और अभी को जो डाला। फिर देखिए इसको हमने ऐसे किया इसके ऊपर, इसको हमने गिराया नहीं है, देखिए केयरफुली देखिए, इसको हमने ऐसे डाला, फिर सिंगल धागे को डाला और फिर इसके ऊपर से इसको ऐसे निकाल लिया। तो डोरमेट का जब भी फंदे आप डालें तो लूज डालें, टाइट ना डालें। लूज मीन्स फ्रेंड्स ऐसा डालें कि ये ऐसे देखिए स्लिप हो। अगर आप स्वेटर के बॉर्डर का फंदा बना रहे हैं तो उसे टाइट बनाना चाहिए, उसे हम 12 नंबर की सिलाई से बुनना चाहिए, ताकि बॉर्डर हमारा चौड़ा ना रहे और लूज ना हो, तो इसलिए हम उसे पतली सिलाई से बनाते हैं। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग को मेरे चैनल पे उलेन ब्लाउज, लेडीज सॉक्स, मोजे, जेंट्स मोजे सब कुछ देखने को मिलेगा। इस पे आप लोग की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, आप लोग जो कहेंगे वो इस वीडियो में इस चैनल पे बनाए जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट उसी चीज़ पे आएगा तो मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूँगी बताने के लिए, क्योंकि अक्टूबर से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है मोस्टली। तो देखिए ऐसे ही हम यहाँ पे 40 फंदे डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये 40 फंदे डाले हैं, पिंक कलर यानी पर्पल कलर का हमने यहाँ पे 40 फंदा डाला है, और दो फंदे येलो का डाला है। जैसे हमने यहाँ पे पर्पल कलर का डाला है, सेम वैसे ही दो फंदे हमने यहाँ पे येलो कलर के डाले हुए हैं। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आज आप लोग को ये फंदे डालना भी बता दिया। तो चलिए पहले इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20 दूनी 40, दो के जोड़े से मैंने ये फंदे को काउंट किया, प्लस 2 येलो कलर का मैंने बनाया है, तो यहाँ पे टोटल 42 हो गया, यानी 42 फंदा। तो ये काफी बड़ा डोरमेट बनेगा। आप इसे थाल पोज के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैंने कलर भी ऐसा यूज किया है कि आप थाल पोज भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, दोनों साइड से हमने देखिए फ्रेंड्स
उल्टा उल्टा बनाना है, दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो येलो कलर को पहले हम बना लेते हैं दो फंदे। ये देखिए दो फंदे हमने येलो कलर का बनाया। उसके बाद देखिए हम धागे को क्रॉस कराएंगे। क्रॉस मीन्स देखिए इसको हम इसके नीचे से लेके आएंगे फिर बुनेंगे। ये देखिए येलो कलर का जो धागा था, फंदा था, उसको हमने येलो कलर से बुन लिया दो फंदे। अब हम देखिए जूम करके आप लोग को दिखाते हैं, ये जो पर्पल कलर का है 40 फंदा, इसे हम पर्पल कलर से ही बनाएंगे। देखिए धागा क्रॉस कराने से क्या होता है, ये हमारा अच्छी तरह ज्वाइंट हो गया है। अब देखिए इसको हम सभी फंदे को, पूरी सलाई को आप लोग केयरफुली देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो इसको हम जो जितने फंदे हमारे यहाँ पे हैं, पूरी सलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ सभी फंदे को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी पहली सलाई थी, इसलिए हम सभी फंदे को बनाए हैं। यहाँ पे हमने लास्ट में कोई भी फंदा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट रो थी। अब देखिए सलाई को हम पलट लेंगे अपनी साइड। बाकी के फंदे देखिए इस साइड से भी हम येलो कलर पे येलो कलर दो फंदे बनाएंगे और पिंक कलर पे पिंक दो कलर बनाएंगे। दो सलाई हमने ऐसे रिपीट करना है, उसके बाद हमारी डिजाइन नेक्स्ट सलाई से बनेगी। तो चलिए एक सलाई इसको भी ऐसे रिपीट कर लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे येलो कलर पे आ गए हैं, तो इसको फिर से हम यहाँ से धागे को क्रॉस करेंगे। यानी देखिए ये वाला धागा हम आगे की साइड लाएंगे और इसको हम देखिए ऐसे को पिंक वाला पीछे करेंगे इसके ऊपर से, और येलो वाला जो हमने दो फंदे लिए थे इसको हम दो फंदे ऐसे बना लिए। ये देखिए दो फंदे हमने ऐसे बना लिया। अब हमने देखिए सलाई को पलट लिया। अब हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह। फंदे डालने के बाद हमने यहाँ से भी एक सलाई पूरी जैसे फंदे डाली थी बनाई, और इस साइड से भी पूरी जैसे फंदे डाला था वैसे ही बनाया। अब हमारी डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए दो फंदे हमने येलो से बनाया जो येलो पे था, यहाँ से दो फंदे अब हम लेंगे। देखिए दो फंदे हमने पिंक का लिया है। अब हम धागे को क्रॉस करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे होल ना आए, तो इसको हम इस पे लेंगे पिंक पे। ये देखिए ताकि हम सॉरी जब देखिए, तो हर बार हम पीछे से ऐसे ही करेंगे, दो दो फंदे हम यहाँ से लेते हुए आएंगे। ये हमारे पीछे से डिजाइन बन रही है, आगे की ये हमारा पीछे का साइड है, आगे की साइड ये है। तो ये देखिए हमने दो फंदे इधर से लिया और बाकी के फंदे हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, और यहाँ पे आके दो फंदे हम छोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक बना लेते हैं हम उल्टा उल्टा। देखिए हमने दो फंदे यहाँ छोड़ दिया। फिर सलाई को अपनी साइड हम ऐसे को पलट लेंगे। दो फंदे छोड़ने के बाद ऊन को अपनी साइड लाएंगे और अब बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। यानी जो फंदे हमारे पिंक कलर का है उसको पिंक कलर का बनाएंगे और इन चार फंदे को हम पीले कलर का बनाएंगे। देखिए हम इस साइड से फंदे को आगे करके, यानी पीले वाले धागे को ऊन को आगे करके पीले वाले, देखिए फंदे को हमने चार फंदे को पीला कलर बना लिया है। अब देखिए फिर से हम पीछे की साइड आ गए हैं। तो आपने बार बार यही रिपीट करना है, आप लोग को समझा दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। देखिए दो फंदे हमने पहले बुना था, अब इन चार फंदे को देखिए, दो फंदे यहाँ पे हो गया। फिर हम दो फंदे और ले लेंगे यहाँ से। देखिए दो फंदे हमने यहाँ से और ले लिया। अब हम पिंक कलर से बनाएंगे। दो फंदे लेने के बाद हर सलाई में पीछे की सलाई से हम दो दो पिंक कलर का फंदा लेते हुए बनाते हुए जाएंगे और यहाँ से दो दो फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पे दो फंदे छोड़े थे, अब लास्ट में फिर आएंगे तो दो फंदे और छोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे दो दो फंदे लेते हुए, इतने फंदे हमने बना लिए, 1 2 3 4 5, यानी 10 फंदे हमने 5 बार ले लिया। 4 बार दो फंदा हमारा इस पहले से था। अब देखिए हम फिर यहाँ पे दो फंदे लेंगे।
ये देखिए, हम हर टाइम पीछे की साइड से दो दो फंदे यहाँ पे लेते हुए जाएंगे, और दो फंदे देखिए, फिर हमने पिंक वाले को येलो से बना लिया और बाकी के फंदे को हम ये पिंक कलर से बनाएंगे, और दो दो फंदे इस साइड से हम छोड़ते हुए देखिए आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे ये दो दो फंदे इधर से लेते हुए हम यहाँ पे सेंटर तक आ गए हैं, यानी हम इधर से दो दो फंदे छोड़ते हुए देखिए यहाँ तक आ गए और दो दो फंदे लेते हुए, तो ये हमारा पूरा बन गया, जैसे एक यहाँ से बन गया। अब इस रो को हमने देखिए, जो हम यहाँ पे दो दो छोड़ते हुए आए थे, पीछे की साइड से हमने पूरे फंदे को पिंक कलर से बना लिया। अब हमने क्या करना है देखिए, इसको हमने पूरे पीले से बनाना है, अरे सॉरी, पिंक कलर से यहाँ तक बनाना है और पीला वाला यहाँ तक बनाना है। तो ये पूरी लाइन हमने ऐसे बुन के कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पीछे की साइड आ गए हैं, तो पीछे की साइड से अब आपने क्या करना है, बहुत इजी डिजाइन है और बहुत जल्दी भी होती है। तो देखिए, अभी हम पीले कलर को हम पीले कलर से ही बनाएंगे। अब हम पहले हम यहाँ तक आ जाते हैं बना के, फिर आप लोग को बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम पिंक कलर का येलो से दो दो फंदे बीनते हुए आ रहे थे, अब हमने क्या करना है, ये येलो कलर को पिंक कलर से बीनेंगे। देखिए, येलो कलर का यहाँ पे दो फंदा बाकी है, यानी पीला वाला, तो इसको अब हम क्या करेंगे, पिंक कलर से बना लेंगे। देखिए ऐसे, बस यही डिजाइन अब हमने करना है, यानी हम हर सलाई पीछे वाले से, देखिए अभी हमने ये दो फंदा बनाया, फिर ये दो बनाएंगे, हमेशा पीछे से इसको बनाएंगे, और फिर इधर से हमने दो दो फंदे छोड़ते हुए आने हैं। तो चलिए इतना हम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो फंदे हम इस साइड से छोड़ देंगे, दो फंदे छोड़ने के बाद उनको हम देखिए सेंटर से यहाँ से ऐसे दो फंदे के बीच से क्रॉस करेंगे, और अब पिंक कलर पे पिंक कलर बनाएंगे, येलो कलर पे येलो कलर बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस, सिर्फ यहाँ से हमारा ये पिंक कलर लास्ट तक आ जाएगा बुनते हुए दो दो फंदे। फिर देखिए, हम दो फंदे यहाँ पे हमारे पीला का छोड़ देंगे, इसको हम पिंक कलर से बनाएंगे, ये देखिए दो फंदे, फिर हम यानी इधर से हम दो दो फंदे पिंक का बनाते हुए लास्ट तक आएंगे दो फंदे तक, और इधर से दो दो फंदे छोड़ते हुए आएंगे। तो चलिए इसको ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक कली ऐसे बना ली, तो देखिए कितनी खूबसूरत ये बनकर आई है। अब हमने क्या करना है देखिए, एक बार और थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये दो फंदे तो हमने बनाना ही है, लास्ट में हम देखिए बीनते बीनते हमने यहाँ पे सिर्फ हमारे दो फंदे रह गए येलो के, तो दो फंदे रह जाए तो ये डिजाइन हमने बंद कर देनी है, यानी इस डिजाइन को हमने बनाना ये वाला, मतलब कि हम पूरी लाइन बीनेंगे नहीं, यहाँ पे दो फंदे रह जाएं तो पूरी लाइन हमने ये बना लेनी है, फिर आगे की साइड से भी हम पूरी लाइन बना के आएंगे इन दो फंदों को छोड़। फिर देखिए, हम यहाँ से दो फंदे ले लिए, दो फंदे लेने के बाद अब पिंक वाले से हम बनाएंगे, और पिंक वाले से हमने बनाना है लास्ट तक, लास्ट में दो फंदे रह जाए तब हमने छोड़ देना है, बस ऐसे ही करना है। उसके बाद जब हमारे पूरे फंदे बन जाए तो यहाँ से लेते हुए ये हमारी जिग जैग डिजाइन बन रही। तो देखिए कितनी खूबसूरत है, कितना इजी है, तो आप लोग जरूर इसको बनाए फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और हाँ, जहाँ पे ना समझ में आए तो आप लोग जरूर पूछे, मैं दोबारा से आप लोग को जरूर पूरी कोशिश करूंगी, दोबारा से वीडियो बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा बनाने का मकसद यही होता है फ्रेंड्स, कि आप लोग अच्छे से उसे समझें और बनाएं, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं, जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कली बनकर कंप्लीट हो गई है, इतनी यहाँ पे देखिए मैंने एक दो और एक हाफ कली बनी हुई है, तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसी ही हमारी पूरी कली बनते हुए जाएगी। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी प्यारा है फ्रेंड्स, देखिए पर्पल कलर और येलो कलर का है ये, आप येलो ब्लैक में भी बना सकते हैं, कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं, तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आई होप कि आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये 42 फंदे का है, ये बड़ा बन के जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।